देखिए सिवान में पहली बार जगन्नाथ भगवान का यात्रा निकला हुआ है, रथ यात्रा। डीजे का इंतजार कर रहा है सब भाई, डीजे का इंतजार हो रहा है, लेकिन मार कर देगा सब लड़की भी है भाई। जय जगन्नाथ। जैसे जैसे रथ यात्रा आगे बढ़ रहा है वैसे ही आप प्रिय सिवानवासी आगे बढ़िए और हम हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई तो आज है 25 जून और अभी शाम के बज रहा है 4। सो भाई तो आज सिवान में निकलने वाला है जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा, जो कि पुरी के मंदिर में निकलता था। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पुरी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान का यात्रा निकलता था, जिसमें 3 देवी देवता थे, जैसे कि जगन्नाथ भगवान और उनका भाई थे बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, तो तीनों उसमें निकलते थे रथ यात्रा, जो कि सिवान में फर्स्ट टाइम भाई निकल रहा है। तो चलिए आप सभी को मैं लेकर चलता हूँ आज सिवान में और दिखाता हूँ आज का भव्य रथ यात्रा। ठीक है, यहाँ पे दो है बहन, बताओ जी सब कुछ। हेलो, जगन्नाथ भगवान के बारे में जानती हो जी? सुने हैं, जानते। बोलो इसमें, देखो जल्दी बोलो इसमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सब कुछ कर दो। मुंह दिखाने लायक नहीं है ये, क्योंकि टिकटॉक पे बनाती थी वीडियो, टिकटॉक तब बंद हो गया पूरा, खत्म, इसका कोई कैरियर खत्म हो गया। चलिए आप सभी को बिना देर के लेकर चलते हैं जेपी चौक के पास, वहाँ पे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक रथ यात्रा निकलता है। ठीक है, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए फेसबुक पेज को इतना ग्रो करने के लिए, आप सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। 5000 फॉलोअर पूरा होने वाला है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही ब्लॉग देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलता हूँ एक ही बार रथ यात्रा में। ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए चलते हैं। तो भाई तो अभी मैं जेपी चौक पहुंच चुका हूं, बगल में देख रहे हैं पूर्वा स्वीट्स है, और अभी शाम के 5 बज गया, थोड़ा सा लेट हो गया मैं क्या बोलते हैं रथ यात्रा निकलने में। तब तक कुछ भाई मेरे मिले हैं जो कि वीडियो मेरा देखते हैं, हाय कीजिए जी। कहाँ घर है आपको? बस महादेव, महादेव, महादेव का। अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग? बहुत अच्छा लगता है, एकदम मस्त। देख रहे हैं कितना प्यार मिल रहा है, तो ऐसा ही आप सभी सपोर्ट करते रहिए। एक और भाई मेरे मिले हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, इधर ये भी ब्लॉग बनाते हैं। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फेसबुक पे करो, जहाँ करना है वहाँ करो, सिवान का है सपोर्ट करना होगा और करो भी। तो ये भी ब्लॉग बनाते हैं, इनका मैं बता दूंगा, इनका भी देखिएगा भाई, सबको सपोर्ट करना है, सिवान को एकदम आगे तक लेकर जाना है। ये बनाएंगे ब्लॉग ना, इनका भी सपोर्ट किया जाएगा, इनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, यस सिवान को नंबर वन बनाना। चलिए बिना देर के आ चुका है रथ यात्रा, देख रहे हैं भीड़ लग गया उधर, पुलिस वुलिस पूरा एकदम भौकाल सेट है पूरा सिस्टम। चलिए दिखाते हैं आज का भव्य रथ यात्रा। ओके भैया लीजिए, निकल चुका है अपना रथ यात्रा, यहाँ पे देख रहे हैं साफ सफाई किया जा रहा है ताकि भगवान जगन्नाथ का एकदम भव्य स्वागत किया जा सके। ये सामने सारी औरतें सिवान की हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग देखेंगे, अभी देखिएगा कितना फैन मिलेंगे हम लोगों का। चलिए आगे लेकर जाते हैं, अभी जेपी चौक पर है, यहाँ पे देख लीजिए जेपी चौक, जाम भी लग गया बताइए लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है। राधे राधे। शिवन यादव जी मिल गए हैं आप। Hare Krishna
बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा आज का। ओके जी भैया, देखिए भगवान जगन्नाथ को दर्शन कीजिए। जय श्री कृष्ण। देखिए सिवान में पहली बार जगन्नाथ भगवान का यात्रा निकला हुआ है, रथ यात्रा। जय हो जगन्नाथ भगवान। जय जगन्नाथ। और ये है महर्षि, इनका नाम हमको नहीं मालूम है, सॉरी। और सामने ये तीन भगवान रहते हैं जिसमें बहन एक रहती है, बलभद्र भाई हैं और सुभद्रा उनकी बहन है, तीन है ना, तीन लोग हैं। और जगन्नाथ भगवान यानी कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं। जय श्री कृष्ण। और भीड़ आप सभी को मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए सिवान का जनता का भीड़। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। अगले साल और भी भव्य निकलेगा, बस इंतजार करते रहिए। अभी तक इनके पास कैमरा नहीं आया। बहुत बहुत ज्यादा भीड़ देख रहे हैं, सारी इधर लेडीज हैं, इधर जेंट्स। जय जगन्नाथ, प्रसाद भी वितरण हो रहा है, मजा आ गया भाई। ऐसा ही जुलूस निकलते रहेगा सिवान में भाई, तो एक दिन अपना हिंदुस्तान अलग ही रंग में रंगमय हो जाएगा। पेयजल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भैया, थोड़ा सा दे दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हो जगन्नाथ भगवान। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, अभी हम जेपी चौक पर आ चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बगल में, इधर गृह विभाग से आ रहा है, इनको जब्त किया जाए। एक और भैया मेरे मिल गए हैं, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है नगर परिषद के द्वारा। ओके चलिए पीजिए। डीजे का इंतजार कर रहा है भाई, डीजे का इंतजार हो रहा है, लेकिन मार कर देगा सब, लड़की भी है भाई। डीजे नहीं बजेगा भाई, लड़की बहुत ज्यादा है इसलिए, ठीक है। अब डीजे बजवा दे रहा है यार, डीजे बजेगा तो मार हो जाएगा भाई, लड़की भी है इसमें, लड़की है, लड़की नहीं रहती तो डीजे बज तो मजा आ जाता। चलिए आगे थोड़ा सा बजवाया जाएगा। लार से मारती, चल जी ऊपर बार बार।
लड़की बहुत ज्यादा है इसलिए ठीक है। डीजे बजवा दे रहा है यार, डीजे बजेगा तो मार हो जाएगा भाई, लड़की भी है इसमें, लड़की है, लड़की नहीं रहती तो डीजे बज तो मजा आ जाता। चलिए आगे थोड़ा सा बजवाया जाएगा भैया, थोड़ा सा जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा भी इतना जरूरी है। भगवान आप सबको भाई थोड़ा बहुत आगे लेकर जाए, आप भक्ति में रहिएगा भाई तो शक्ति मिलेगा एकदम पक्का है, भक्ति में शक्ति, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत बड़े फैन है अपने दीपू भैया के। थैंक यू भाई, थैंक यू, फैन मिल जाते हैं आप सभी का भाई, प्यार है। हरे कृष्णा भगवान का आशीर्वाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। के पास ठीक है, अब यहाँ से श्रीनगर जाएगा जहाँ से निकला था, लेकिन उतना दूर हम नहीं जाएंगे भाई, ज़्यादा रात हो गया, अभी 8 बजने वाला है। ठीक है चलिए लास्ट बार आप दर्शन कीजिए, उसके बाद से अगले साल मिलेंगे, इधर सब हमारे फैन है सब। चलिए सामने से दिखा देता हूँ, उसके बाद से चलते हैं घर। मिलते हैं अगले साल।